नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मोहब्बत के दंगे की टीम मुजफ्फरनगर में पहुंच चुकी है और यहां पर ये प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ग्रैंड मॉल है यहां पर भोपर रोड पे। आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, जितने भी लोग मुजफ्फरनगर में आसपास में रहते हैं वो सब लोग आएँ और इस मुहिम से जुड़ें। हमारे तारिक भाई, सलमान भाई हमारे साथ में हैं, बेचारे बहुत मेहनत में इस मुहिम में लगे हुए हैं, सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर में मोहब्बत के दंगे बड़ी खूबसूरती के साथ पुरखलूस तरीके से इख्तिताम को पहुंचे, बतौर खास उन लोगों का जिन लोगों ने पसे पर्दा काम किया है, जैसे कि शारिक अहसन जिन्होंने जगह का इंतखाब किया और अनिल स्वरूप साहब जो उस मॉल के मालिक हैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इजाज़त दी। अनिल स्वरूप और संदीप जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके सपोर्ट की वजह से गिन हो पाए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिली है उस मुजफ्फरनगर के शहर काजी साहब से, जो इतनी उम्र दराज होने के बाद भी और जो बीमारी की हालत में भी मेरे साथ उठ खड़े हुए, मैं बहुत बहुत ममनून हूँ आपका ज़हीर आलम साहब। हम हाजरीन जो वहाँ पे आए और जिन लोगों ने साइन किए, जिन लोगों ने हमारी बात को सुना, जिन लोगों ने हमारे अप्रिशिएट किया, उन सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया मोहब्बत के दंगे फैमिली की तरफ से। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शोएब भाई का जो संभल से चल के अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे आए, सलमान भाई का जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। नगर में मौजूद है और कितना क्राउड इस मुहिम से जुड़ रहा है, हमारे सभी भाई इसमें, पूरी टीम हमारी इसमें लगी हुई है। और मुजफ्फरनगर जिस तरीके से यहाँ को मुजफ्फरनगर के नाम का एक हवा बनाया हुआ है ना पूरे हिंदुस्तान में और सोशल मीडिया पे, हमें तो कोई ऐसी बात, हमारी टीम को तो कोई ऐसी बात दिखी नहीं कि कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसा यहाँ पर झगड़े वाली बात हो या कोई नफरतें वाली बात हो। चारों तरफ हमें तो दिखाई दी मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दी। अगर आप मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो मोहब्बत ही नज़र आएगी और अगर नफरत की निगाह से देखेंगे तो नफरत नज़र आएगी। तो मेरा आप सभी लोगों से, भाइयों से ये कहना है कि किसी की भी बहकावे में ना आए और किसी भी अफवाह पर गौर ना करें। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का मुजफ्फरनगर का, कोई ऐसा हवा नहीं है इसका। मुजफ्फरनगर बहुत ही अच्छा माहौल माशाल्लाह हवा बनाया हुआ है, पूरी मीडिया ने, पूरी सोशल मीडिया ने इसे बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत मोहब्बत वाले लोग यहाँ पर माशाल्लाह। और यही कहना है कि ये मुहिम आज हमारी यहाँ पर बहुत कामयाब रही। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे यहाँ के बारे में कभी पता नहीं चलता। तो यहाँ के जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सब लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगा और उन सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप लोगों के जज्बे को सलाम। जय हिंद, जय भारत।
जो कुछ भी है ये बहुत ही अच्छी तहरीक है जो दुनिया में अच्छा पैगाम ले जाएगी और दुनिया को ज़्यादा महजब बनाने में मददगार होगी। हमारा जो लक्ष्य है ये है, वो ये है कि हम दंगा फिसाद कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं। तो मोहब्बत जो है वही सबसे बड़ा अंतर है इस दुनिया में। मोहब्बत के सिवा और कोई जो भी कोशिश होगी वो कामयाब नहीं हो सकती। प्यार करे सब भारत का सिंगार करे सब, प्यार करे सब, प्यार करे सब भारत का सिंगार करे सब। भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 रस्मों में और रिवाजों में धर्मों में और समाजों में एकता का रंग रचाएंगे। बस प्यार की धूम मचाएंगे, पूरे होंगे सबके सपने बन के रहेंगे अपने अपने, पूरे होंगे सबके सपने बन के रहेंगे